दोस्तों, आपके पास कैनन का R100 कोई कैमरा है और जो है आपने से नए नए परचेस किए हैं, और आप अगर फोटोशूट या तो वीडियो करने के बाद, एक क्वेश्चन है कि इस फोटो या वीडियो को आप अपना डेस्कटॉप या तो लैपटॉप में कैसे कॉपी करेंगे। मतलब या तो आप कर सकते हैं USB के थ्रू, और या तो आप बिना USB के, अगर आप चाहते हैं कि बार बार इस केबल को खोला खोलना लगाना बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आप इसे ऑनलाइन थ्रू ब्लूटूथ के जरिए आप इसे सिस्टम में कन्वर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है इसे एक बार प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं आपके पास जो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। देखिए, लेट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये करने के लिए सबसे पहले देखिए जरूरी क्या है, आपका जो कैमरा है, ये कैमरा और आपका जो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप है, ये दोनों आपका सेम नेटवर्क में कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो अगर ये लैन में कनेक्टेड है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसे करने के लिए सबसे पहले मुझे एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है कैनन का वेबसाइट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैनन कैनन ड्राइवर डाउनलोड, ये जो भी आप लिखिए यहाँ पे एक बार लिख के, चलिए हम सर्च करते हैं, हम प्रेस करेंगे एंटर। आप जैसे ही प्रेस किए, आप देखिए नीचे में एक है कैनन USA और इसके बाद है कैनन यूरोप, ऊपर में है कैनन इंडिया। ओके, तो सिंस हम इंडिया में हैं तो हम कैनन सपोर्ट और ये जो ES R100 में जाके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर है, मैनुअल है, जो भी है। तो अगर हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम जाएंगे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, साइड में आपको सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में क्लिक करने के बाद आप देखिए आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है, इंग्लिश है, और यहाँ पे देखेंगे आपका ये नेटवर्क अपस्केलिंग टूल है फॉर विंडोज़ और जो भी लेटेस्ट है। इसके बाद US यूटिलिटी, ओके, फॉर विंडोज़ और US, दोनों ही विंडोज़ का है, लेकिन आप देख लीजिए ये ऊपर वाला जो है ये थोड़ा कुछ अपडेटेड है, 27 मई 2024 का है, नीचे वाला पुराना है। तो हम इसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें हम डाउनलोड नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल क्लिक डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो हम ये आपको नहीं दिखाते हैं, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये रहा मेरा फाइल डेस्कटॉप में, मैंने जो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो हम इसको आप डबल क्लिक करते हैं और इस फाइल को एक बार इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए एज यूजल डबल क्लिक कीजिए और जो जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, उसके बाद कुछ कनाडा ये कंट्री है जो भी रीजन है, हम यहाँ पे एशिया इंडिया में है तो एशिया को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इंडिया में, इंडिया को चूज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में, इसके बाद कुछ पूछ रहा है स्टार्ट यस, हम ओके में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए कई सारे यूटिलिटी है, अगर आप चाहते हैं जो करना नहीं चाहते हैं उसको आप डिसलेक्ट कीजिएगा, और अगर सब चाहते हैं तो बस हम यहाँ पे इंस्टॉल ऑल में क्लिक करेंगे इंस्टॉल। इसके बाद हमको जाना है यस में, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और फिर यहाँ पे यस। तब तक के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपका सिस्टम कितना स्पीड है इसके ऊपर में। तो चलिए, मेरा जब तक हम इसे इंस्टॉल हो रहा है तब तक मेरा जो कैमरा है, पहले हम वेट करते हैं इस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप में इंस्टॉल होने तक। एक साथ में 3-4 एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है कैनन का, US यूटिलिटी, US लेंस रजिस्ट्रेशन टूल, नेटवर्क सेटिंग टूल, वेब सर्विस रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और चलिए, तो फाइनली मेरा जो एप्लीकेशन था ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और फिर इसमें क्लिक कर देंगे, हम इस ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे ये जो US यूटिलिटी का एक आइकन मेरे डेस्कटॉप में है, अब हम इसे एक बार ऑन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। देखिए, जैसे ही हम किए तो यहाँ पे दिखा रहा है पेयर ओवर वायरलेस लैन, ओके, वाईफाई। तो हम यहाँ पे जाएंगे वाईफाई में, पेयरिंग हम क्लिक करेंगे, और सिंस ये कैमरा ये मेरा यहाँ भी हम अभी यहाँ पे कुछ किए नहीं है, तो चलिए हम इसे एक बार क्लोज कर देंगे। अब हम चलते हैं सीधा मेरा जो कैमरा है यहाँ पे, ये रहा मेरा कैमरा। अब हम इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं, ये रहा मेरा पावर बटन, हम यहाँ पे ऑन किए। ऑन करके सिंस हम एक हाथ से शूटिंग कर रहे हैं और एक हाथ से हम कैमरे को भी पकड़े हुए हैं, तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको ऊपर में क्लिक करेंगे। और ये रहा मेनू बटन, तो हम मेनू में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मेनू में क्लिक किए, ऊपर में देखिए वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन, नीचे में है वाईफाई सेटिंग और ब्लूटूथ सेटिंग, ओके। तो आपको
क्या करना है कि ब्लूटूथ सेटिंग को इनेबल करना है और फिर वाईफाई सेटिंग को भी इनेबल करना है। कैसे करना है, आप ब्लूटूथ में जाएंगे, इनेबल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इनेबल है, क्लिक करेंगे तो अभी ये आपको डिजेबल करने का ऑप्शन मिला। ओके, अब हम बैक जाएंगे, देखिए ब्लूटूथ जो है डिजेबल हो चुका है। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और फिर आपको इनेबल में जाके ओके में क्लिक कर दिया मैंने, हो गया। अब हम जाएंगे बैक। ओके, तो यहाँ पे ये भी इनेबल है, वाईफाई सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जाना है ये वाईफाई जो ब्लूटूथ कनेक्शन है इसके ऊपर में। मेरा कैमरा जो है थोड़ा फोकस करने में दिक्कत कर रहा है मोबाइल का, तो अब ये जो ऊपर वाला कनेक्शन है वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन लिखा हुआ है, हम इसको यस करेंगे और ये जैसे ऑन करेंगे आपका जो भी वाईफाई है ये स्कैन करेगा और यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से आएगा। तो मेरे यहाँ पे अभी एक ही वाईफाई है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए सर्चिंग हो रहा है, सर्चिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं पहले से पासवर्ड डालने के बाद। और ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है डिसकनेक्ट एंड एग्जिट, इसके बाद है कन्फर्म सेट, तो हम कन्फर्म सेट में क्लिक कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया है मेरा। तो इस तरह से आप अपने कैमरे को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो कैमरा है, ये कैमरा और आपका जो डेस्कटॉप है, मतलब जिस सिस्टम में या लैपटॉप में आप अपना फोटो को कॉपी करना चाहते हैं, सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए, तभी होगा। अब ये कैमरा कनेक्ट हो चुका है मेरे वाईफाई के साथ, अब हम आ गए डेस्कटॉप में। तो देखिए जैसे ही मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ तो ये जो मेरा EOS का जो यूटिलिटी है एप्लीकेशन, ये ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से तीन ऑप्शन आया है, डाउनलोड इमेज एंड कंप्यूटर। तो ऑब्वियसली हम डाउनलोड में क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम सिलेक्ट एंड डाउनलोड, इमेज नॉट येट डाउनलोडेड, हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट एंड डाउनलोड में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे जाके। अब देखिए यहाँ कोई कई सारे फोटो है, यहाँ पे देखिए बाएं तरफ पे कौन सा कैमरा कनेक्टेड है उसका नाम है और बाकी सारे फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फोटो सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे जो भी बॉक्स है आपको इसे बॉक्स में चेक करना है, चेक करके आपको नीचे में डाउन में जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको सारे फोटो एक बार में सिलेक्ट करना है तो आपको ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर है, यहाँ पे इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सारे फोटो सिलेक्ट, जो बॉक्स है चेक हो चुका है, सारे फोटो सिलेक्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद हमको जाना है डाउनलोड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड में। इसके बाद देखिए डेस्टिनेशन फोल्डर, ये पूछ रहा है आप कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, हम डेस्टिनेशन फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है तो हम जाएंगे ब्राउज में और हम करना चाहेंगे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में यहाँ पे कोई फोल्डर है तो वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम एक न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जाकर नीचे में इसके बाद शूटिंग डेट फॉर्मेट, मतलब ये जो फोल्डर में फोटो कॉपी होगा, तो यहाँ पे अगर दो तीन दिन का फोटो है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जिस दिन का फोटो है डेट के हिसाब से वो फोल्डर क्रिएट करेगा, आप जो फोल्डर बनाए हैं फोल्डर में जाके और आपका फोटो डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिर इस ओके में क्लिक कर लेंगे। जैसे ओके में क्लिक कीजिए देखिए 110 तो फोटो है और कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें फोटो एंड वीडियो बोथ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंस ये वीडियो भी है, तो आप सभी जानते हैं कि वीडियो कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 96 हो चुका है आउट ऑफ 110। फाइनली मेरा जो कंटेंट था फोटो एंड वीडियो कॉपी हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कॉपी होने के बाद इस फोटो को या तो मेमोरी कार्ड को आप फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड है, मतलब कैमरे का जो कार्ड है, ये यहाँ से फोटो डिलीट हो जाएगा और आपका मेमोरी खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे तो हम इसे मिनिमाइज करके जहाँ पर हम कॉपी किए हैं एक बार आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा न्यू फोल्डर 2 और देखिए यहाँ पे आज का डेट है 31, तो ये देखिए सारे फोटो एंड वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ओके, सिंस यहाँ पे एक ही दिन का फोटो है तो एक ही फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है और सारे फोटो एंड वीडियो एक ही फोल्डर के अंदर आया है। दोस्तों इसी तरह से आप अपना कैमरा को कनेक्ट, मैंने क्लोज कर दिया और इसके बाद आप कैमरा में आएंगे। कैमरा में आने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन, यहाँ पे जाके आपको डिसकनेक्ट एंड एग्जिट में क्लिक करना है। ओके में जाके ओके कर देंगे। तो देखिए ये वाईफाई के साथ डिसकनेक्ट हो चुका है। अगर हम फिर से इसे कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे ओके में क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बैक चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका जो कैमरा है ये वाईफाई इनेबल रहे और ब्लूटूथ इनेबल रहे तो आप इसे ही छोड़ दीजिए, आपको बार बार ऑन ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है।
तो यही था प्रोसेस आपके कैमरे से आपका लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में, इसमें का जो फोटो या वीडियो है आप अपने कैसे कॉपी करेंगे, मैंने कोशिश किया यही बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या तो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।